नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज बढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब व्यावसायिक संप्रेषण का देखने वाले हैं पार्ट नंबर टू। कौन सा हो जाएगा? पार्ट नंबर हो जाएगा टू, जिसमें देखने को मिलेंगे आपको MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चनों का कौन सा हो जाता है पार्ट नंबर सेकंड हो जाए। फर्स्ट मैंने डाल रखा है, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चनों की ओर फटाफट। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक देख लिए थे पार्ट नंबर फर्स्ट में? पार्ट नंबर मतलब जो सेवन जो होते हैं विषय, वो हमने देख लिए थे। विषय कितने? विषय सेवन तक हमने सारे के सारे देख लिए थे। अब हम देखेंगे सेवन से आगे। क्या देखेंगे? सेवन से आगे देखेंगे। तो सेवन आप यहाँ पर देख ही रहा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रभावी श्रवणता। क्या देखने वाले हैं भाई? प्रभावी श्रवणता देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको प्रभावी श्रवणता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं क्योंकि बहुत ही मोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इसको देखना है, श्रावण प्रक्रिया में किसकी क्रियाएं सम्मिलित तो होती हैं? जो श्रावण प्रक्रिया होती है उसमें कितनी क्रियाएं सम्मिलित तो होती हैं आपको बताना है, दो, तीन, चार या फिर पाँच। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? चार होती हैं। श्रावण प्रक्रिया में कितनी क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं? चार क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रभावी श्रवणता का आवश्यक तत्व है। जो प्रभावी श्रवणता होती है उसका आवश्यक तत्व कौन सा होता है आपको बताना है, अनुकूल दृष्टिकोण, केंद्रित करने की क्षमता, रास शारीरिक मुद्रता या फिर रखा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? देखो, प्रभावी श्रवणता का आवश्यक तत्व क्या रहने वाला है? तो वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर अनुकूल दृष्टिकोण भी हो जाएगा, शारीरिक मुद्रा भी हो जाएगी, केंद्रित करने की क्षमता भी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, फिडलर मॉडल संबंधित है। जो फिडलर मॉडल था वो किससे संबंधित है आपको बताना है, नेतृत्व से, संगठन से, श्रवणता से या फिर अभिप्रेरणा से। तो फिडलर जो मॉडल हो जाता है वो किससे संबंधित हो जाता है? जो फिडलर मॉडल है वह संबंधित किससे होगा भाई? श्रवणता से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रभावशाली श्रवण वह है जिसमें संदेश है। जिसमें क्या संदेश है आपको बताना है। देखो, प्रभावशाली श्रवण वह है जिसमें संदेश है। कौन सा संदेश है आपको बताना है? उचित प्रकार से प्राप्त किया गया हो। क्या? उचित प्रकार से प्राप्त किया गया हो या फिर उचित प्रकार से समझा गया हो, उचित प्रक्रिया दी गई हो या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहां भी क्या रहने वाला है? उपयुक्त सभी रहने वाला है। प्रभावशाली श्रवण वह है जिसमें संदेश क्या होता है? उचित प्रकार से प्राप्त किया गया हो, उचित प्रकार से प्राप्त हो जाए और उचित प्रकार से समझा जा सकता है उसे, उचित प्रक्रिया दी गई हो। अगर तीनों चीज मिलती हैं तो वो क्या होगा? प्रभावशाली श्रवणता कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखा है प्रभावी श्रवणता की बाधा है। प्रभावी श्रवणता जो होती है उसकी बाधा क्या है आपको बताना है, श्रवणता में कठिनाई, संदेश की विलष्टता या फिर दरखा है अपना घमंडी स्वभाव, तो या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखो, यहाँ पर रखा है प्रभावी श्रवणता की बाधा है। क्या है? उपयुक्त सभी है। क्या है? क्या हो रहा है ऊपर? कोई बात नहीं। श्रवणता में कठिनाई हो जाएगी, ठीक है, संदेश की क्या हो जाएगी? कलिष्ठता हो जाएगी और अपने घमंडी स्वभाव अगर होगा तब भी प्रभावी श्रवणता में बाधा प्राप्त होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां देखेंगे हम साक्षात्कार कौशल। क्या देखने वाले हैं भाई? साक्षात्कार कौशल के बारे में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं, साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण होते हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं? दो, तीन, चार या फिर पांच। तो साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण होते हैं वह कितने होते हैं? तीन चरण होते हैं। कितने? तीन चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में बांटा गया है? जो उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में बांटा गया है? दो, तीन, चार या फिर पांच। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? वह हो जाएगा तीन भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, कार्य के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? कार्य के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? दो, तीन, चार या फिर पांच। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तीन भागों में किया जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, याद रखा है निम्न में से साक्षात्कार का रूप है, तो साक्षात्कार का रूप कौन सा हो जाएगा आपको बताना है, गहन साक्षात्कार, निर्णय साक्षात्कार, प्राथमिक साक्षात्कार या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्न में से साक्षात्कार का रूप है, गहन साक्षात्कार भी हो जाएगा, निर्णय साक्षात्कार भी हो जाएगा और प्राथमिक साक्षात्कार भी हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साक्षात्कार का उद्देश्य है, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करना या फिर व्यवहार का अध्ययन, संप्रेषण या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का ज्ञात करना तथा व्यवहार का अध्ययन करना और संप्रेषण करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना क्या रहने वाला है, साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के साक्षात्कारदाताओं के रूप में किया जा सकता है, तो साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के साक्षात्कारदाताओं के लिए किया जा सकता है, तो किस में आपको बताना है, अशिक्षित, शिक्षित, अर्धशिक्षित, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, यहां पर भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के साक्षात्कारदाताओं के लिए किया जा सकता है, तो अशिक्षित के लिए किया जा सकता है, शिक्षित के लिए भी किया जा सकता है और अर्धशिक्षित हैं उनके लिए भी किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखा है, रोजगार हेतु आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए नियोक्ता आयोजित करता है, क्या आयोजित करता है आपको बताना है, रोजगार हेतु आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए, जो रोजगार निकालते हैं उनके आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए नियोक्ता आयोजित करता है, क्या आयोजित करता है आपको बताना है, सेमिनार, समूह चर्चा, साक्षात्कार, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या करता है आपको बताना है। देखो ये कह रहा है रोजगार हेतु आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए जो नियोक्ता होता है वो क्या करता है भाई, सेमिनार करेगा, समूह चर्चा करेगा, साक्षात करेगा, तो भाई उसका करेगा साक्षात्कार, आवेदक हैं क्योंकि आवेदक ने आवेदक तो कर दिए, तो क्या करेगा उनका साक्षात्कार करेगा। आगे बढ़ते हैं, आत्मसार एक आवेदन पत्र है, आत्मसार जो है वो एक आवेदन पत्र है, कैसा है, जॉब पैकेज का, पूछताछ का, शिकायत का या फिर हो जाता है निविदा का, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जॉब पैकेज का, क्या हो जाएगा, जॉब पैकेज का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संप्रेषण के आधुनिक स्वरूप हैं, संप्रेषण के आधुनिक स्वरूप क्या है आपको बताना है, फैक्स का आविष्कार हुआ था, क्या फैक्स का आविष्कार हुआ था, किसमें, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या फिर भारत में, तो जो फैक्स है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था, तो फटाफट भी इसका आंसर देना है, कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर देखा है संप्रेषण के आधुनिक स्वरूप, जो आधुनिक में स्वरूप दे रखे हैं उसके आधार पर क्वेश्चन, ठीक है, तो फैक्स का आविष्कार कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फैक्स का आविष्कार कब हुआ, जो फैक्स है उसका आविष्कार कब हुआ था आपको बताना है, 1842, 1852, 1862, 1872, तो फैक्स का आविष्कार कहां कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल सही भाई, 1842 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1842 हो जाएगा, कहां पर, इटली में। आगे बढ़ते हैं, भारत में पेजर का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, भारत में पेजर, जो पेजर होता है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था आपको बताना है, 1980, 1982, 1984 या फिर 1986, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई, 1982 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक संप्रेषण का साधन है, जो आधुनिक संप्रेषण होता है उसका साधन कौन सा आपको बताना है, सिटीजल बैंड रेडियो, फैक्स, पोस्ट कार्ड या फिर इंटरनेट, आधुनिक संप्रेषण का साधन है तो कौन सा हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही, इंटरनेट हो जाएगा, आजकल आधुनिक संप्रेषण का जो साधन है वो कौन सा है, इंटरनेट, बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं लोग, है ना, बात करते हैं कि इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था, 1886, 1887, 1886 या फिर 1987 में, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, होगा तो 1900 में, होगा तो 1900 में, तो 1900 क्या हो जाएगा, 1886 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था, 1886 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का प्रमुख भाग है,
तो इंटरनेट का प्रमुख भाग कौन सा आपको बताना है, पेजर, फैक्स, सेल्यूलर फोन या फिर मोडेम। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का प्रमुख भाग है। तो इंटरनेट का प्रमुख भाग कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मोडेम। क्या हो जाएगा, मोडेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है WWW का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, तो WWW का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां रखा है आई है, ये एल है, एल ए एन होगा, ठीक है, एल ए एन, एल ए एन का आशय है, मतलब एल ए एन की फुल फॉर्म आपको बताना है, फुल फॉर्म भाई क्या हो जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया न्यूज, इनमें से कोई नहीं। तो एल ए एन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना क्या रहने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा डब्ल्यू ए एन का अर्थ है, डब्ल्यू ए एन का अर्थ क्या है, वाइन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइन एशिया नेटवर्क। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या राइट होगा भाई, बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा भाई, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तुम्हारा दूरस्थ स्थानों को कम से कम समय में, दूरस्थ स्थानों को कम से कम समय में लिखित संदेश भेजने की प्रणाली है, कम से कम समय में लिखित संदेश भेजने की प्रणाली कौन सी है, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, ईमेल या फिर स्पीड पोस्ट। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई, ईमेल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा एसएमएस का अर्थ है, एसएमएस का अर्थ क्या हो जाता है आपको बताना है, शॉर्ट मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस या सेंडर्स मैसेज सर्विस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर बताना है एसएमएस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट मैसेज सर्विस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब क्वेश्चन मिलेंगे मौखिक प्रस्तुतीकरण से, किसे, मौखिक प्रस्तुतीकरण से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है, मौखिक प्रस्तुतीकरण के स्वरूप है, स्वरूप होते हैं, जो मौखिक प्रस्तुतीकरण होता है उसका स्वरूप क्या होता है आपको बताना है, 2, 4, 5 या फिर 7, कितने स्वरूप होते हैं। तो इसके स्वरूप कितने होते हैं, 2 स्वरूप होते हैं, मौखिक प्रस्तुतीकरण के स्वरूप कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मौखिक प्रस्तुतीकरण होता है, मौखिक प्रस्तुतीकरण होता है, क्या होता है, मौखिक, लिखित, आभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब मौखिक है तो मौखिक ही होता होगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में अध्यक्षीय भाषण का संबोधन होता है, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में अध्यक्षीय भाषण का संबोधन होता है, तो किसमें होता है, अध्यक्ष को, संचालक को, कंपनी सचिव को या फिर अंशधारियों को। तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही, तो कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अध्यक्षीय भाषण का संबोधन होता है, किसमें, अंशधारियों को, क्या अटपटा क्वेश्चन देखा, अंशधारियों को संबोधन होता है, कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अध्यक्षीय भाषण का संबोधन होता है, अंशधारियों को, या अंशधारियों का तो हो सकता है, ठीक है, कौन ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, याद कर लेना अंशधारियों को, ठीक है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य है, सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य कौन सा हो जाएगा, तकनीकी ज्ञान देना, श्रोता विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य है कौन सा हो जाएगा भाई, तकनीकी ज्ञान देना हो जाएगा, क्या, तकनीकी ज्ञान देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिकायत पत्र किन कारणों से लिखा जाता है, जो शिकायत पत्र होता है वह किन कारणों से लिखा जाता है, माल की गलत मात्रा, खराब माल, नमूने के अनुसार माल ना होना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहां पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो बताना है हमारे लिए कौन सा रहने वाला है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा, बी थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, तो यहां 4 तक था, अब यहां 9 पर आ गया, है ना,
यहां चार पे था और यहां पे क्या आ गया, नौ पे आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे होंगे, ठीक है, आगे दे रखे होंगे, तो कोई बात नहीं, आगे दे रखे होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं शिकायती पत्र किन कारणों से लिखा जाता है, तो किसके द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा लिखा जाता है। देखो, माल की गलत मात्रा होगी तो शिकायत करेंगे, खराब माल होगा तो शिकायत करेंगे, नमूने के अनुसार माल ना होगा तब भी शिकायत करेंगे, तो उपयुक्त सभी में शिकायत पत्र लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होगा, देखा है तुम्हारा, समान सूचना बहुत से, समान सूचना बहुत से व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए उपक्रम प्रयोग करता है, कौन सा करता है आपको बताना है। कह रहा है एक ही सूचना बहुत से व्यक्तियों को प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयोग की जाती है, कौन सी, पूछताछ का पत्र, संदर्भ पत्र, परिपत्र या फिर आवेदन पत्र। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो वह अपना हो जाएगा कौन सा, परिपत्र हो जाएगा। समान सूचना बहुत से व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए उपक्रम प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है, परिपत्र। फिर देखो, एक ही सूचना बहुत से व्यक्तियों को प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो यह भी परिपत्र या फिर गस्ती पत्र प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखा है गस्ती पत्र लिखा जाता है किसके लिए, नई शाखा खुलने पर, किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर, नवीन उत्पादन के विज्ञापन हेतु या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई, गस्ती पत्र लिखा जाता है, इन सभी को लिखा जाता है। नई शाखा खोलेंगे, खोलने पर बिल्कुल गस्ती पत्र लिखेंगे, फिर किसी साझेदार के आवश्यक ग्रहण अवकाश ग्रहण करने, और इसमें भी क्या लिखेंगे, गस्ती पत्र लिखेंगे। नवीन उत्पादन के विज्ञापन हेतु इसमें भी गस्ती पत्र लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहां देखा है कार्यालय पत्राचार, जो कार्यालय पत्राचार होते हैं उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन को देखिएगा, यहां देखा है इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है, तो कार्यालय पत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा, परिपत्र, व्यापारिक पत्र, पारिवारिक पत्र या फिर निमंत्रण पत्र। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र के अंतर्गत आएगा, तो वो आ जाएगा परिपत्र, क्या हो जाएगा, परिपत्र कार्यालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है, तो कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है आपको बताना है, शासनादेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति या फिर निमंत्रण पत्र। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है, तो वो हो जाता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जो है वो कार्यालय पत्र नहीं है, ठीक है। कार्यालय में अधिसूचना होती है, शासनादेश देखने को मिलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति देखने को मिलती है, ठीक है, मगर निमंत्रण तो भाई किसमें दिया जाता है, शादी वगैरह में दिया जाता है, कार्यालय पत्र नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र की श्रेणी में नहीं आता, फिर देख रखा है, देखो परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र या फिर अधिसूचना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में किस श्रेणी में नहीं आता, तो आवेदन पत्र नहीं आता है। कौन सा, आवेदन पत्र नहीं आता है, परिपत्र आता है, ज्ञापन आता है और अधिसूचना आती है, मगर आवेदन पत्र नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा कार्यालय पत्राचार नहीं है, तो कार्यालय पत्राचार कौन सा नहीं है यह आपको बताना है, ठीक है। पहला दे रखा है संपादक के नाम पत्र, परिपत्र, संकल्प तथा अनुमारक। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा संपादक के लिए, संपादक के नाम पत्र, तो नाम पत्र नहीं होगा, ठीक है, तो बस इसलिए गलत हो जाएगा। परिपत्र राइट होगा, संकल्प राइट होगा, अनुस्मरण भी यहां पर, अनुस्मारक यहां पर भी राइट हो जाता है, ठीक है। तो भाई लाइट जा चुकी है, तो कहीं इन्वर्टर डाउन ना हो जाए, तो रुकते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना क्या रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है जब किसी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित, बिल्कुल सही, आकर्षक होना चाहिए, आकर्षित लिख रखा है, कोई बात नहीं, ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र लिखा जाता है, तो वह क्या कहलाता है। जब किसी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित होना चाहिए, आकर्षित करने हेतु पत्र लिखा जाता है, तो वह क्या कहलाता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, अर्ध
सरकारी पत्र या फिर गैर सरकारी पत्र। तो राइट आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के व्यक्तिगत को ध्यान को आकर्षित करता है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब किसी गोपनीय विषय पर किसी अधिकारी की राय लेनी हो तो किस पत्र का आयोग एक प्रकार का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? जब किसी गोपनीय विषय पर किसी अधिकारी की राय लेना होती है तो कौन सा पत्र देते हैं? पूछताछ का पत्र, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र या फिर अधिसूचना। तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर भी हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र देते हैं। कौन सा? अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है जब किसी गोपनीय विषय पर किसी अधिकारी की राय लेनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 रखा है। इनमें से कौन सा पत्र अनौपचारिक होता है? तो अनौपचारिक पत्र कौन सा है आपको बताना है? कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। तो सॉरी, अर्ध ये रखा है शासकीय पत्र। ठीक है, सरकारी नहीं है, शासकीय पत्र। तो राइट आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल, तो बात करते हैं इनमें से कौन सा अनौपचारिक पत्र होता है। जो अनौपचारिक पत्र होता है वो कौन सा होता है? अर्ध शासकीय पत्र होता है। कौन सा? अर्ध शासकीय पत्र, अनौपचारिक पत्र होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सरकारी पत्र है। सरकारी पत्र कौन सा है? ज्ञापन, पूछताछ का पत्र, निरख पत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी पत्र है, कौन सा है सरकारी पत्र भाई? ज्ञापन है। कौन सा? ज्ञापन जो है वो सरकारी पत्र हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे विषय अपना देखने को मिलेंगे प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन से रिलेटेड को आपके क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में से एक प्रतिवेदन है। तो प्रतिवेदन कौन सा है आपको बताना है? सरकारी प्रतिवेदन, योजना प्रतिवेदन या शिकायती प्रतिवेदन, उपयुक्त सभी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे प्रतिवेदन हो जाते हैं। ठीक है, सरकारी प्रतिवेदन होता है, योजना प्रतिवेदन होता है और शिकायती प्रतिवेदन होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? एक प्रतिवेदन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक प्रभावशाली प्रतिवेदन का प्रमुख लक्षण है। एक प्रभावशाली प्रतिवेदन का प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा? स्पष्टता, संक्षिप्तता, शुद्धता या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? एक प्रभावशाली प्रतिवेदन का प्रमुख लक्षण है तो वह कौन सा हो जाएगा भाई? वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे लक्षण हो जाते हैं। तो बात करते हैं, स्पष्टता भी हो जाएगी, शुद्धता भी हो जाएगी और संक्षिप्तता भी हो जाएगी। प्रभावशाली प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक रिपोर्ट का गुण नहीं है? तो जो व्यावसायिक रिपोर्ट का गुण कौन सा नहीं है भाई आपको बताना है? औपचारिकता, क्रमबद्धता, संक्षिप्त या फिर सरल व स्पष्ट भाषा। तो यहां पर कौन सा अपना राइट हो जाएगा? निम्न में से कौन सा व्यावसायिक रिपोर्ट का गुण नहीं है तो वह कौन सा हो जाएगा भाई? औपचारिकता हो जाएगी। कौन सी? औपचारिकता नहीं है, बाकी क्रमबद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, सरल व स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। ठीक है, या लिखी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिवेदन होता है। प्रतिवेदन कैसा होता है? लिखित, मौखिक, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवेदन कैसा होता है? जो प्रतिवेदन दिया जाता है वो लिखित दिया जाता है। कैसा होता है भाई? लिखित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवेदन के कुल कितने चरण होते हैं? जो प्रतिवेदन होता है उसके कुल कितने चरण होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो प्रतिवेदन के कुल कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीर्घ प्रतिवेदन होता है। दीर्घ प्रतिवेदन कैसा होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी, अनुस्मारक। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो दीर्घ प्रतिवेदन जो होता है वह एक
औपचारिक होता है। कैसा? औपचारिक प्रतिवेदन होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको देखना है, 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हो तो बिल्कुल आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन का ये हमारा पूरा की पूरा MCQ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थे MCQ ये हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी देखना है, और भी क्वेश्चन देखना है कि और भी क्वेश्चन पढ़ना है, ये तो एक बुक के रखे हैं, और भी बुकों के क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, PDF डाउनलोड करना पड़ेगी। क्या बनने पड़ेगी? PDF डाउनलोड करना पड़ेगी। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे भाई, नोट्स मिल जाएंगे, और वहां पे जाके आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर आपको ऐप भी मिल जाएंगे। क्या? ऐप भी मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स चाहिए, ऐप चाहिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, www.paperhacker.com में जाना पड़ेगा। क्या? paperhacker.com में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। .in paperhacker.in सर्च करोगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, ऐप मिलेंगे, लेटेस्ट जॉब मिलेंगी, ठीक है, और ऑफलाइन जॉब भी वहां पर दी जाती है आपके लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए paperhacker.in, जो वेबसाइट दे रखी है हमने, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य के लिए, आपके जो साथ के लोग हैं, ठीक है, उनके भविष्य के लिए बहुत ही प्रकार से अच्छी यहाँ पर वेबसाइट बनाई गई है, जो सरकारी वेबसाइट से एक प्रकार से कह सकते हैं उससे भी बेहतर यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पे एक बार जाकर एक बार विजिट कीजिएगा और देखिएगा किस प्रकार से हमने वेबसाइट को तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।